हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, और वो कंसेप्ट है सोलर पोंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सोलर पोंड। सोलर पोंड यहाँ से यूजीसी क्वेश्चन पूछती है फ्रेंड्स, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अगर हिंदी में बोलें तो शोर तालाब हो जाता है, ये शोर तालाब। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए कि क्या होता है सोलर पोंड। और इसमें एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही है, वैसे भी हमें कॉन्सेप्ट्स का बारे में पता होना चाहिए। इसमें बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, जो सोलर एनर्जी होती है ना, जो हमारे पास सोलर एनर्जी होती है, उस सोलर एनर्जी का सौर ऊर्जा होता है, उसको हमें कलेक्ट और स्टोर करना है। बस उसका कलेक्ट एंड स्टोर ही करना है इसमें। और वो कैसे करना है इस बारे में हम देखेंगे। यानी कि जो हमारे पास सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को हमें क्या करना है? कलेक्ट करना है और उसको स्टोर करना है, और इसी को हमें यूज़ करते रहना है। तो वो कैसे करना है एक बात देखते हैं हम, और किस तरह से ये फंक्शनिंग होगी। एक्चुअली में मैं आपको एक बात और बता दूं कि सोलर पोंड है ना, हमें आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है, नेचुरल नहीं होता। क्यों नहीं होता नेचुरल? क्या प्रॉब्लम आती है, मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूँ। ये मैं नेचुरली आपको, मैं पानी ले लिया है ना, ये नेचुरल जो पाया जा रहा है, वाटर नेचुरल पॉन्ड में ही ले लिया, हमने बनाया नहीं है आर्टिफिशियली, ये है। और यहाँ पे मान लेते हैं सोलर की एनर्जी पड़ी, सूर्य की किरणें पड़ी। तो आपने देखा होगा बेसिकली क्या होता है कि जो सरफेस का वाटर होता है वो गर्म होता है, और जब हम नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो पानी क्या होता जाता है? ठंडा होता जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्या होगा, ये नेचुरल जो प्रोसेस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, सोलर एनर्जी होगी, यहाँ पे गर्म हुआ, गर्म होने के बाद हल्का हुआ तो ऊपर जाएगा, ये पूरा का पूरा अपनी एनर्जी है वो ऊपर इन्वायरमेंट को दे देगा, ठीक है ना। फिर वापस ठंडा होकर नीचे आएगा, फिर एनर्जी लेगा, फिर इन्वायरमेंट को दे देगा। ये प्रोसेस नेचुरली चलता रहता है, इस वजह से जो हीट है वो नीचे नहीं पहुंच पाती, ऊपर से ही वो प्रोसेसिंग चलती रहती है, क्योंकि वो जितना लिया उसने। ये आपको एक बात तो पता है ना, यहाँ पे डेंसिटी का एक कंसेप्ट होता है, घनत्व का क्या कंसेप्ट होता है? देखो, आपने डेंसिटी क्या होती है इसको देखना आप, ये दो तीन बातों का आप ध्यान रखना। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एक है वार्म वाटर, गर्म पानी, वार्म वाटर गर्म पानी, और एक है कोल्ड वाटर, तो कौन से वाटर की ज़्यादा डेंसिटी होगी? आप ये बताइए, कौन से वाटर की ज़्यादा डेंसिटी होगी? तो हमें पता है जो कोल्ड वाटर है वो ज़्यादा डेंस होगा, इसकी जो डेंसिटी होगी, इसका घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि जो वार्म वाटर होगा उसका जो डेंसिटी होगा कंपेरेटिवली कोल्ड के कम होगा। क्यों होगा आपको पता ही है, क्योंकि जो वार्म वाटर होगा, गर्म पानी होगा, वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो सीधी सी बात है डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। तो इस कंसेप्ट पे क्या होता है, जैसे ये गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम हुई, हल्का ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, तो ये प्रोसेस नेचुरली चलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए हमें, इस सोलर एनर्जी को कलेक्ट और स्टोर करने के लिए हमें आर्टिफिशियली नेचुरल पोंड, जो सोलर पोंड है वो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नेचुरल में तो जितना एनर्जी इन्होंने लिया वो बाहर रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, एक कंसेप्ट और हम यहाँ समझ लेते हैं। अगर हम अगर वाटर में अगर सॉल्ट मिला दें, एक आपके पास प्योर वाटर है, एक तो प्योर वाटर है जिसमें कोई भी मिक्स नहीं किया गया है कुछ भी, एक तो प्योर वाटर है, शुद्ध पानी है, और एक वाटर में आपने सॉल्ट मिला दिया है, सॉल्ट वाटर है, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर है। तो आप मुझे बताइए इसमें डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसमें इसमें घनत्व किसका ज़्यादा होगा? बेसिक सी बात है, सॉल्ट वाटर का ज़्यादा डेंसिटी होगी, सोल्ट वाटर का ज़्यादा डेंसिटी होगी बजाय प्योर वाटर के, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपने मिक्स किया है, कुछ मास बढ़ा है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है सोल्ट वाटर की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो ज़्यादा होगा। तो ये मैं बार बार डेंसिटी की बात क्यों कर रहा हूँ, बार बार घनत्व की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो सोलर पोंड का कंसेप्ट है वो किस पे काम करेगा, वो डेंसिटी ग्रेडियंट पे ही काम करता है, डेंसिटी ग्रेडियंट पे, घनत्व पे ही काम करता है। कैसे करता है मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। जैसे हम आर्टिफिशियली एक सोलर पॉन्ड बना रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे बनाया हमने, और हमने इसमें बेसिकली तीन लेयर बनाई। सबसे पहले ये यहाँ हमने एक लेयर बना रखी है, इसमें आप यूँ मान लो ये जो सरफेस लेयर है, इसमें बेसिकली यूँ मान लो प्योर वाटर है, नियर बाई प्योर वाटर है, फ्रेश वाटर है, इसके अंदर क्या है, फ्रेश वाटर है, ठीक है, इसमें फ्रेश वाटर है। और एक ये सेकेंड लेयर है
जो सेकंड लेयर है इसमें हम मान लेते हैं जो पानी है वो इसमें सॉल्ट है ना, इसमें सॉल्ट है, इसमें सॉल्ट है, इसमें सॉल्ट मिला हुआ है। और नीचे जाते हैं थर्ड लेयर में, और थर्ड लेयर जो है ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड है विद सॉल्ट। विद सॉल्ट क्या है, कम्प्लीटली सैचुरेटेड लेयर है, सैचुरेटेड है, बिल्कुल संतृप्त है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिला हुआ है, ये सैचुरेटेड है, एक तरह से बिल्कुल सैचुरेटेड है, दिख रहा है ना आपको, ये सैचुरेटेड है, यानी कि ये बिल्कुल ये संतृप्त है, यानी कि इतना ज़्यादा सॉल्ट मिला दिया है अब उसमें और नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिला दिया है इसमें, सीधी सी बात यह है। तो अगर अब क्या होगा, अब यहाँ पे सोलर एनर्जी आएगी, सोलर एनर्जी आई ये क्योंकि आपने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी नीचे इस पे आई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, घनत्व बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है वो ट्रैप होके रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ गर्म होएगी, ऊपर उठेगा, वापस यहीं पे साइकिल चलता रहेगा ये, वापस यहीं, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है वो कलेक्ट होती रहेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और कंपेरेटिवली जो ऊपर की लेयर है उससे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सोलर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये यहीं पे स्टोर होती रहेगी, और यहीं पे स्टोर होगी तो हम यूज़ कर लेंगे, इधर से हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर को देंगे, और इधर हम इसको इसकी हीट एनर्जी है उसको यूज़ करके यहाँ से वार्म वाटर निकालेंगे, बात समझ गए, हीट एनर्जी का हम यूज़ कर लेंगे, ये एक तरह से सोलर पॉन्ड का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सोलर पॉन्ड में क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो काम करता है वो डेंसिटी ग्रेडियंट काम करता है, यानी कि घनत्व का जो कंसेप्ट है डेंसिटी का है वो काम करता है, और उसी की वजह से हम सोलर एनर्जी जो है, जो सौर ऊर्जा है, उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट और स्टोर करते हैं। मतलब यहाँ पे देख लिया होगा आपने बात, थर्ड लेयर में आके वो पूरा का पूरा जो सोलर एनर्जी है वो ट्रैप हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेंसिटी। ये बात समझ में आई होगी फ्रेंड्स। चलो, ये छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन बड़ा शानदार कंसेप्ट है, यहाँ से UGC क्वेश्चन पूछ सकती है और पूछती भी है कि ये किस कंसेप्ट है, वो कैसे काम करता है। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट पे काम करता है, आपको ये भी पता लग गया कि गर्म वाटर और ठंडे पानी में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, अगर एक आपके पास फ्रेश वाटर है, प्योर वाटर है, और एक उसमें कुछ सॉल्ट मिक्स है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये सारी बातें आपको पता लग गई होगी। चलो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। ये बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट था, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी लास्ट जो बात है कि चित्त शांत रखें, इसको हमेशा शांत रखें और खुश रहें फ्रेंड्स। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो SWMG ऐप है अपनी, सक्सेस विद मुकेश गोयल, SWMG नाम से जो अपनी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, इसमें हम UGC नेट का पेपर 1, जो कंपलसरी पेपर 1 है वो, और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस EVS किसी का है, तो हम पढ़ाई करते हैं इसकी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई विलिंग है तो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि 2 जनवरी तक, टिल 2 जनवरी 2023 तक जितनी भी फीस है, इसमें हमने 40% का ऑफ किया हुआ है, कितना 40% का ऑफ है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें लाइव सेशन भी होते हैं, और कोई स्टूडेंट अगर लाइव क्लास नहीं देख पा रहा है किसी वजह से, तो वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है। क्लासेस दोनों मीडियम में होती है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में होती है, कोई डाउट वाली बात नहीं छोड़ेंगे, रेज हैंड का ऑप्शन भी है, डाउट आता है तो वहीं से पूछ सकते हो, और आपको नोट्स भी मिलेंगे PDF में, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप हमेशा खुश रहें, इसी तरह से तैयारी करते रहें, और हर चीज़ के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, प्लीज़ रटने की कोशिश ना करें। जब तक हम कंसेप्ट को नहीं समझेंगे फ्रेंड्स, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी, और हम बार बार फिर चीज़ों को एग्ज़ाम देते रहेंगे, बार बार फिर कुछ मार्क्स से हम रहते रहेंगे, ये चीज़ें हमें दूर करनी है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ को, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें और प्रॉपर रिविजन करें, तभी हम सिलेक्शन करवा पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thanks a lot, friends.